বাড়িরে বাজার বলেই নেবি तो अभी आपने जो वीडियो के स्टार्टिंग में प्रीव्यू देखा है फ्रेंड्स, अगर आप सबको भी इस तरीके से स्टेटस ऐड नहीं करना इफेक्ट देकर, तो इस वीडियो को आप सबको पूरे लास्ट तक देखना होगा फ्रेंड्स। इस तरीके का इफेक्ट मैंने कैसे यूज किया है फ्रेंड्स, अगर आप सबको भी सीखना है तो मैं तो बता दिया फ्रेंड्स, आप सबको पूरे लास्ट तक वीडियो देखना होगा फ्रेंड्स। तो चलिए फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं 3 से 4 मिनट का वीडियो बनाता हूँ फ्रेंड्स, मैं ज़्यादा लंबा नहीं बनाता, वहीं पे मैं आप सबको सब कुछ समझा दूंगा। अब आप वीडियो देख के आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं हर बार की तरह आप सबको बता देता हूँ फ्रेंड्स, मेरा इस वीडियो में जो कुछ भी अगर मटेरियल का यूज़ होता है, जैसे कि हो गया कुछ भी लिंक हो गया, कुछ भी फोटो वगैरह हो गया, लाइट मोशन ऐप का लिंक हो गया, तो आप सबको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप सबको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको लाइट मोशन एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना होगा, और अगर आपके पास पहले से लाइट मोशन एप्लीकेशन है तो आप उसे ओपन कर लीजिए। तो चलिए मैं लाइट मोशन ऐप को ओपन करके आप सबको मैं समझा दूंगा। लाइट मोशन ऐप थोड़ा सा लोड लेगा, उसके बाद आपका ओपन होकर आ जाएगा। उसके बाद आगे क्या प्रोसेस है मैं आप सबको धीरे धीरे समझा दूंगा। तो देख सकते हो लाइट मोशन मेरा ओपन होकर आ गया। उसके बाद आपको इधर प्रोजेक्ट के सेक्शन में आ जाना होगा। यहाँ पर आपको सॉन्ग बीट मार्क एंड इफेक्ट मिल जाएगा, इन दोनों को आपको इम्पोर्ट करना होगा फ्रेंड्स। जो बंदे मेरे डेली वीडियो देखते हैं सबको तो पता ही होगा कि कहाँ से इंपोर्ट करते हैं। मैं कोई साइट वगैरह का लिंक नहीं देता हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सीधा चले जाइएगा, आपको सेम नाम पर लिंक मिल जाएगा। टैप कीजिएगा, रिडायरेक्ट कर देगा आपको लाइट मोशन में, आप वहाँ से इंपोर्ट जो है कर सकोगे। उसके बाद इंपोर्ट करने के बाद आप सबको सॉन्ग बीट मार्क को आपको सबसे पहले ओपन करना होगा। देख सकते हो कुछ इस तरीके से मैंने इफेक्ट लगा के रखा फ्रेंड्स। यहाँ पर आपको कुछ करना नहीं होगा, किसी इफेक्ट आपको छेड़खानी नहीं करना होगा। अगर आप खुद से बनाना चाहते हो तो आप यहाँ पर इफेक्ट वगैरह को यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप आ जाएंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे, मीडिया पे क्लिक करके आपका कोई सा भी फोटो रहेगा उस फोटो पे आपको टैप कर देना होगा। उसके बाद आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना होगा, फिल कॉम्पोजिशन एरिया पे क्लिक कर देना होगा, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में क्लिक करेंगे, इधर 3 नंबर पे क्लिक करके आप थोड़ा जूम कर लीजिएगा इस प्रकार से जैसा मैं कर रहा हूँ फ्रेंड्स। और इधर 1 नंबर पे रेड लाइन के थ्रू आप थोड़ा बहुत एडजस्ट अपने फोटो का कर सकते हो। अगर आपको यही फोटो चाहिए तो ये टेलीग्राम चैनल में आप सबको मिल जाएगा। तो देख सकते हो यहाँ तक आपका हो चुका है फ्रेंड्स। उसके बाद आप सबको इसका लेयर जो है पूरे लास्ट तक कर देना होगा। लास्ट तक चले गए, फोटो पर टैप किए, यहाँ पे क्लिक किए, इसका लेयर आपका लास्ट तक आ गया। इस पर लॉन्ग प्रेस करेंगे, इसे आपको इस तरीके से नीचे कर देना होगा, सॉन्ग के ऊपर जस्ट यहाँ पे, बस इसके ऊपर। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं कर दिए सॉन्ग के ऊपर। उसके बाद आपको फिर से फर्स्ट तरफ आ जाना होगा, प्लस पे क्लिक करेंगे, मीडिया पे क्लिक करेंगे। और फ्रेंड्स अगर आपका कोई लोगो वगैरह है तो आप लोगो ऐड कर सकते हो, तो मैं लोगो आप सबको ऐड करके बता देता हूँ फ्रेंड्स। तो मेरा पिछला आपसे मैंने बना के सेव किया था फ्रेंड्स, मेरा लोगो जो है मैं ये लोगो सब एडिटिंग कर जो है मेरा बना हुआ पहले से, वो सब मैं ऐड कर लेता हूँ। तो कौन सा मैं लोगो ऐड करूँगा फ्रेंड्स, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, तो मैं वही वाला लोगो मैं ऐड करके आप सबको बता देता हूँ जो मैं यूज़ करता हूँ फ्रेंड्स। ये लोगो मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे, ये यहाँ पे आ जाएगा। मूव एंड ट्रांसफॉर्म में क्लिक करेंगे, मूव 3 नंबर पे क्लिक करके इसे थोड़ा जूम आउट या फिर जूम इन कर लीजिएगा आपके लोगों के हिसाब से। उसके बाद आपको पूरे लास्ट तक आ जाना होगा, इसका लेयर भी आपको लास्ट तक कर देना होगा, और इसे आपको इधर यहाँ पे कहीं पर भी आप फोटो के हिसाब से जहाँ पे गैप रहेगा थोड़ा, आप वहाँ पर इसे सेट कर लीजिएगा। सेट किए उसके बाद आपको इस पर क्लिक करना होगा, इफेक्ट पे क्लिक करना होगा, ऐड इफेक्ट पे क्लिक करेंगे, लॉन्ग शेडो का इफेक्ट यहाँ पे मिल जाएगा। लॉन्ग शेडो का इफेक्ट अगर नहीं मिलता है तो आप अल्फा थोड़ा बढ़ा लीजिए, आप वहाँ पे सर्च कर लीजिएगा। उसके बाद आपको साइज को थोड़ा माइनस कर लेना होगा, इतना 10 क्राउन कर लेना होगा, 10-11। ओके, उसके बाद आप सबको क्या करना होगा, इसे भी लॉन्ग प्रेस करना होगा, इसे नीचे कर देना होगा। कहाँ तक करना होगा मैं आप सबको समझा देता हूँ, यहाँ तक कर देना होगा, यहाँ पे जो गोला का शेप है इसके ऊपर। ओके, और उसके बाद अगर फ्रेंड्स तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ तो आपका काम कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आपको यहाँ से एक बार बैक चले जाना होगा, इफेक्ट पे आ जाएंगे, यहाँ पे आपको फोटो मिल जाएगा, फोटो का जो इफेक्ट मैं प्रोजेक्ट दिया रहूँगा वहाँ पे एक फोटो मिल जाएगा। फोटो पे टैप करेंगे, इफेक्ट पे क्लिक करेंगे, थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, इफेक्ट कॉपी कर लेना होगा, सॉन्ग बीट मार्क आपको आ जाना होगा, यहाँ पे आपको नीचे आ जाएंगे, फोटो आपका मिल जाएगा, फोटो पे क्लिक करेंगे, इफेक्ट पे क्लिक करेंगे, थ्री डॉट पे क्लिक करके इफेक्ट यहाँ पे पेस्ट कर देना होगा। इफेक्ट आपका पेस्ट हो चुका, फोटो का ओपेसिटी थोड़ा आप कम कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हो मैं 85 इतना कर देता हूँ, 80 इतना। ओके, आप अपने हिसाब से कर लीजिए, आपके फोटो के हिसाब से ओपेसिटी कम कर दिए। उसके बाद आपको एक जो है ब्लैक स्क्रीन का वीडियो ये मैं दे दूंगा, ये ब्लैक स्क्रीन का वीडियो आप सबको कहाँ मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, तो आप फटाफट टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हो। ये फोटो पे आपको टैप करना होगा, प्लस पे क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपको इस पे देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद आपको इस पे क्लिक करना होगा, इसका ऑडियो जो है म्यूट कर देना होगा, ब्लाइंडिंग एंड ओपेसिटी पे आ जाएंगे, लाइटिंग पे आ जाएंगे, इसका स्क्रीन पे इनेबल कर देना होगा। तो आपको लॉन्ग प्रेस करना होगा इस प्रकार से, इसे नीचे इस तरीके से कर देना होगा, आप चाहो तो ऊपर में भी रख सकते हो, मैं यहाँ पे कर देता हूँ फ्रेंड्स। ओके, यहाँ पे मैं कर दिया। उसके बाद आप सबको जो है इसका लेयर, इसका एक्स्ट्रा पार्ट जो है फ्रेंड्स,
एक्स्ट्रा पार्ट, इसको आपको यहाँ से कट कर देना होगा इस प्रकार से। ओके, कट कर दिया, देख सकते हो आपका स्टेटस बन के पूरा रेडी हो चुका है फ्रेंड्स। आप चाहो तो कुछ लोगो वगैरह और बना के पीएनजी वगैरह ऐड कर सकते हो, तो मैं ऐड नहीं करूंगा फ्रेंड्स, आपको यहीं तक बता दिया। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो फ्रेंड्स एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ फ्रेंड्स, और सपोर्ट का भी बहुत जरूरत है फ्रेंड्स, तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा फ्रेंड्स, मैं इसी तरीके से आप सबके लिए स्टेटस लाता रहता हूँ। तो अभी आपको सेव करने का प्रोसेस बता देता हूँ, ऊपर में इस आरो पे क्लिक करेंगे, वीडियो का राइट साइड में इस आरो पे क्लिक करेंगे, थोड़ा बहुत आप यहाँ पे एडजस्टमेंट कीजिएगा और एक्सपोर्ट पे जैसे क्लिक कीजिएगा आपका वीडियो जो एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।